अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडिट्स। आज के निटिंग लेसन में हम सीखेंगे कि फंदों को बंद कैसे करते हैं। इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बाइंड ऑफ कास्ट ऑफ स्टिचेस। देखें, फंदे बंद करने को आप बाइंड ऑफ भी कह सकते हैं, कास्ट ऑफ भी कह सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोज में, पिछले लेसन में आपको सब कुछ सिखाया हुआ है कि कास्ट ऑन कैसे करते हैं, फंदे कैसे डालते हैं। अगर आप पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पिछले लेसन जरूर देख लीजिएगा, बिगनर हैं तो। अच्छा, इस वीडियो में हम बेसिक वाला बाइंड ऑफ करेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे बाइंड ऑफ आपको सिखाए हुए हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं बाइंड ऑफ बाय क्लीडनिट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दो फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। आपके पास दो फंदे होने ही चाहिए। ये देखें, दो फंदे इधर आ गए, नेट टू स्टिचेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला फंदा है ना, वो गुजार के इसके ऊपर से नीचे गिरा देंगे। तो उसके लिए आपको इसको पकड़ के रखना है, ये टिप है आपके पास, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि आप इसको छोड़ के और इसको गुजारने लगे ना, तो आगे वाला धागा फंदा गिर जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ रखें, बेशक इस तरह पकड़ें, बेशक इस तरह पकड़ें, जैसे आपको ईजी लगता हो, सही लगता हो, वैसे बस पकड़ना है आपने इस धागे को। तो आपने क्या करना है, अब ये वाले फंदे को आप उठाएंगी, पिक दिस स्टिच अप एंड देन पास दिस स्टिच ओवर एंड ड्रॉप इट डाउन। मतलब कि इसको आपने यहां से पिक किया, पकड़ा, उठाया और इसके ऊपर से गुजार के गिरा दिया नीचे। तो ये एक फंदा हो गया बंद। अब उससे इसी तरह ही आपने सारे फंदे बंद करते जाने हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन देखे, दो फंदे होने चाहिए, मतलब अब एक फंदा आ गया ना, अब इसको तो नहीं आप गिरा सकती ना, तो आपने क्या करना है, एक फंदा और सीधा बुन लें। अब फिर से दो फंदे हो गए आपके पास, अब क्या करेंगी, फिर से उसी तरह से ही ये वाला फंदा लेंगी आप और इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। तो देखिए, मैंने इसको पकड़ा हुआ है इधर, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वो गिर जाएगा, पहला वाला आगे वाला स्टिच। फिर से अगेन देखिए, एक फंदा बुना, दो हो गए। अब आपने क्या करना है, इस वाले फंदे को पकड़ना है यहां से और इसके ऊपर से गुजार के गिरा देना है। अगेन ये देखें, इस तरह से आपने सीधा फंदा बुनना है और ये देखें, ये वाले को इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। ये सारे फंदे इसी तरह आप बंद करते जाएं। देखिए, सारे फंदे हमने बंद कर दिए, इस तरह से आपने फंदे बंद कर दिए और आपके पास फिर बचता है यहाँ पे एक फंदा। तो आपने बंद कैसे करना होता है धागे को, आप इस तरह से ऊपर कर लें इस लूप को, आखिरी फंदे को, और इसमें से आपने ये धागा गुजार के काट लेना है यहां से। ये जो दिख रही है ना, बॉल से कनेक्टेड है। आप कहेंगे कि बीच में से ऐसा ना हो गलती से दूसरा काट लें इस साइज वाला, क्योंकि थोड़ा सा धागा तो आपको चाहिए होता है ना वेविन करने के लिए। वेविन में आपको सिखाऊंगी आगे दूसरे लेसन्स में, तो मुझे बताइएगा कि आपको ये लेसन्स कैसे लगे हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि फंदों को बंद कैसे करते हैं और यहाँ पे धागे को सिक्योर करके काटते कैसे हैं। यहाँ से आप काटेंगी, ठीक है, यहाँ से काटेंगी जितना आपको धागा चाहिए होगा ना वेविन करने के लिए या सीने के लिए कोई चीज़, तो आप यहाँ से धागे को काटेंगी। तो इस दो लेसन्स को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे तो वो भी देखिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको सारे वीडियोस रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।